नमस्कार और आदाब। मैं मधुकर उपाध्याय हूं और कुछ अरसा पहले तक सहाफती करता था, अब भी करता हूं, लेकिन अब वो लिखने पढ़ने से ज्यादा ताल्लुक रखता है। किसी अखबार में, किसी रिसाले में, किसी टेलीविजन चैनल पर नहीं छपता उस तरह से, लेकिन मैं लिखना मैंने जारी रखा है, उसे कभी रोका नहीं, क्योंकि एक बार जो सहाफी हुआ वो हुआ। अब जो बात है वो मैं एक मुबारकबाद देने के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानू को, जो हैदराबाद वाली है, उसको मुबारकबाद देने के लिए मैंने ये बात कहने का फैसला किया, सोचा इसके बारे में कि वो उर्दू सहाफत के 200 बरस पर एक बड़ा जलसा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये 1822 में, यानी ठीक 200 साल पहले, उर्दू का जो पहला रिसाला था वो कलकत्ते से छपा था। अब उसके बाद तो पूरी फ्रीडम मूवमेंट में उर्दू सहाफत का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो उनका योगदान रहा है उस पर, और तमाम और चीज़ें, और ये जो पीछे आप देख रहे हैं अवध पंच, उर्दू सहाफत का नाम तो अवध पंच के बिना पूरा ही नहीं हो सकता, बल्कि ये कहिए कि अवध पंच अगर हटा दें तो उर्दू सहाफत, हिंदी सहाफत और अवधी की सहाफत तीनों दरिद्र हो जाएंगे, उनके पास कुछ बचेगा नहीं, कुछ खास नहीं बचेगा, क्योंकि जो तेवर अवध पंच के हुआ करते थे, अवध पंच जो उर्दू का था वो लखनऊ से छपता था, जो हिंदी का था वो बनारस से शाया होता था, और जो अवधी का था वो अवध के एक हिस्से से निकलता था, वो मनकापुर के आसपास एक जगह है वहाँ से निकलता था, और मैं उसे ही अब वीडियो की शक्ल में अवध पंच लेकर आता हूँ अवधी में हर हफ्ते, तो वो एक अलग बात। लेकिन ये जो मुबारकबाद है ये दिल से है, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए, और इसके जो आयोजक हैं उनके लिए। मैं इस जलसे में शिरकत करूँगा, ज़रूर आऊँगा, आप सबसे रूबरू होऊँगा, बात करूँगा, लेकिन ये समझिए कि इतनी बड़ी खिदमत सहाफत की, उसमें से अगर उर्दू हटा दें तो सहाफत अपने आप में एक बड़ा मुकाम पैदा करती है लोगों के लिए, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये जो जलसा होगा वो सहाफत के लिए एक मील का पत्थर होगा, सिर्फ उर्दू सहाफत के लिए नहीं। तो मैं तो आ रहा हूँ, आप भी आइएगा, वहीं मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।